हाय गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम राजू वाचिंग राजू मैथी ब्लॉग्स। तो भाई बात यह है कि कुछ साल पहले मैंने गया था घूमने जुलुक। तो जुलुक ट्रैवल का एक दो ब्लॉग मैंने ऑलरेडी एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और जुलुक से हम लोग गए थे नाथांग। नाथांग वैली एक बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ का जो वीडियो क्लिप ना वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो कल ही मैं मेरा जो पुराना वाला डेस्कटॉप है वहाँ पर कुछ काम कर रहा था, तब मुझे वो सारे वीडियो क्लिप मिल गए। तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट का हम लोगों के छोटा छोटा वीडियो क्लिप है, तो मैंने सोचा उसे जोड़ के एडिट करके एक अच्छे तरह से ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, मन किया, तो इसीलिए ये ब्लॉग बन रहा है। ये जो नाथांग वैली है ना, ये आप कह सकते हो कि एक जन्नत है। आप लोग कश्मीर घूम के आए हो सके तो नॉर्थ सिक्किम का ये जो नाथांग वैली एरिया है ना, यहाँ पर एक बार ट्रैवल जरूर करना। आप लोगों को सच में यहाँ पर जन्नत दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए, और मैं बात नहीं करने वाला, डायरेक्ट आपको नाथांग वैली पर जो हम लोगों के कुछ अच्छे मोमेंट थे आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। नॉर्थ सिक्किम ट्रैवल्स पर जुलुक से हम लोग जा रहे थे नाथांग वैली। तो अगर आप लोग कभी भी ये नॉर्थ सिक्किम ट्रैवल करोगे, यहाँ पर टूर करोगे, तो जरूर एक बार नाथांग वैली घूम के आना, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये एक स्वर्ग है, एक जन्नत है। कश्मीर का फील आपको मिलेगा, बहुत सारे ढेर सारे बर्फ मिलेगा आपको, लेकिन कश्मीर में बहुत सारे पेड़ है, यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है। ऑक्सीजन का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जुलुक से हम लोग जा रहे थे नाथांग, वहाँ का कुछ अच्छे मोमेंट का वीडियो क्लिप हम लोगों ने शूट किया था, वही आप लोगों के साथ इस ब्लॉग पर शेयर कर रहा हूँ। देखते हैं कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आता है कि नहीं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नाथांग वैली। यहाँ का पूरे के पूरे जो रेंज है, पूरे एरिया है, पूरे के पूरे एरिया मिलिट्री डिपार्टमेंट का है। सारे के सारे मिलिट्री यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे उनके कैंप है। ये पूरे के पूरे बॉर्डर एरिया है। प्यार हो जाएगा, प्यार मिला है, प्यार करे प्यार मिला strong and fake a smile until I look away. I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the... ये है नाथांग वैली। ये देखिए जहाँ पर अभी हम लोग है, मतलब ये जो बर्फ दिख रहे हो आप लोग, बर्फ के पहाड़ के उस पार ही चीन है। कुछ लोकल यहाँ का लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत, ये एक छोटा सा गांव कह सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे एरिया मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। नहीं करना, ठंड में ये लोग यहाँ पर नहीं रहती, यही अक्टूबर के बाद ये लोग नीचे चले जाते हैं और फिर से मार्च मतलब फरवरी के बाद धीरे धीरे करके फिर से वापस घर आते हैं। अभी अभी क्लाउड ब्लॉक कर दिया, पूरा बर्फ ही बर्फ है इधर। बहुत ठंडी हवा चल रही है, तूफान आने वाला है,
अभी अभी हल्का सा स्नोफॉल्स हो रहा है। नाथांग वैली व्यू अच्छा है, तूफान चल रही है, अभी दूसरा झड़ आने वाला है आज, जो बोलते हैं थंडर स्टॉर्म्स। पूरे के पूरे एरिया बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री का गाड़ी चलते हैं, और ये जो लोग ट्रैवल करने के लिए आते हैं उन्हीं लोगों के कार यहाँ पर चलते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, घूम के वापस जुलू आ जाते हैं, वहाँ पर ही ठहरते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक नाइट नाथांग वैली पर ठहरे थे। ये जो घर आप दिख रहे हो, यहाँ पर कोई होटल नहीं है, ये होम स्टे है, यहाँ पर हम लोगों ने ठहरा था। लेकिन हम लोगों को ठहरना नहीं चाहिए था, यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। रात को हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए, दिक्कत का सामना करना पड़ा, वीडियो इसलिए शूट भी नहीं कर पाए, अच्छे तरह से खा भी नहीं पाए, कोई भी एक भी बंदा अच्छे तरह से सो नहीं पाए, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, टेम्परेचर था -5। सुबह जब हम लोगों ने घर से बाहर निकला तो पूरे जो हमारे जो खिड़की था, दरवाज़ा था, सारे के सारे बर्फ ढक चुके थे। फीलिंग्स एक अलग लेवल का था, लेकिन बहुत रात को हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। यहाँ का एरिया देखिए, एक भी आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। दिसंबर जनवरी में यहाँ पर -20-24 इस तरह के टेम्परेचर घट जाते हैं, और मौसम तो कभी भी बिगड़ सकता है। वहाँ पेड़ पौधे कुछ नहीं है, अरे 27-28 हज़ार फीट है। यहाँ से भी कंचनजंगा का जो रेंज है अच्छे तरह से दिखता है। ये पूरा कंचनजंगा रेंज है। तो चलिए अभी चलते हैं डीसी खोला, वहाँ का एक अलग छोटा सा ब्लॉग बनेगा, वहाँ का कुछ अच्छे मोमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।